हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वो आपका वीडियो जो संबंधित है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ठीक है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का एडमिट कार्ड से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी PT का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसी से संबंधित इसका एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस आया है, यानी इसका एडमिट कार्ड निकल चुका है, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार से चेक करना है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये प्रोसेस पता चलेगा किस प्रकार से चेक करना है। देखिए, अगर आप रिजल्ट भारत या सरकारी रिजल्ट के साइट पर अगर अभी फ़िलहाल अगर जाते हो तो उस पर अभी लोड नहीं किया है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल जो साइट है उसका ऑफिशियल साइट से हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो यहां पर आपको दो चीज़ के बारे में पता होना है, ठीक है, दो चीज़ के बारे में मैं यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहां पर दो चीज़ पहले है क्या। सबसे पहले लाइव का सिस्टम, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 20 अक्टूबर को तो एग्ज़ाम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट सहमत है कि हाँ लाइव लेना चाहिए तो वो यस कर दीजिएगा, और कौन सा टाइमिंग अच्छा रहेगा तो वो टाइमिंग भी लिख दीजिएगा। देखिए, लाइव क्लास इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। मुश्किल से आपका जो एग्ज़ाम में समय बचा है 11-12 दिन समय बचा होगा, तो इस 11-12 दिन में जो है आपको कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा ताकि एक बेहतर स्कोर यानी सेफ स्कोर आ सके, ठीक है। तो मैं आपको मेन क्वेश्चन जो है कि हाँ ये क्वेश्चन है आपको सिमुलतला में पूछने लायक है, सिमुलतला में पूछ सकता है, तो मैं उस क्वेश्चन का एक ग्रुपिंग, एक सीरीज लाऊंगा, तो बस वही क्वेश्चन आपको चलेगा, ठीक है। तो आप लाइव आकर जुड़िएगा, और जो लोग लाइव से सहमत हैं तो वो यस कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे में कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा, बता दीजिएगा हाँ सर हाँ लाइव लेना है, लाइव आ जाइएगा, और टाइमिंग भी बताइएगा कि कौन सा टाइमिंग बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आपको लाइव वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। दूसरा चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा क्योंकि आपको वो सारा चीज़ पता नहीं चल पाएगा। तो लाइव सिस्टम तो हो गया, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को बार बार कह रहा हूँ जो सिमुलतला के कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो है वो सारा क्लियर कर लेना है, ठीक है। सिमुलतला में जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा कुछ क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपको 40-50% तो क्वेश्चन आपको उसी से कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो हमारे चैनल पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और सिमुलतला में जब जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। सब सब्जेक्ट का वहाँ पर क्लियर कराया हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सबको क्लियर वहाँ पर कराया गया है, तो आपको यहाँ से ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो सेकेंड चीज़ में बढ़ते हैं, सेकेंड चीज़ में आपका ये है कि कैसे आप सिमुलतला का एडमिट कार्ड चेक करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, सिमुलतला का एडमिट कार्ड चेक करने के लिए आपको एक साइट पर जाना पड़ेगा, मैं आपको साइट दिखाता हूँ वो साइट क्या है। तो मैंने अभी अभी इसको सर्च किया है, तो हिस्ट्री बॉक्स में मेरा है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, आपको यही आपको टाइप करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको पहला नंबर जो दिख रहा है ना savsecondary.biharboardonline.com, ठीक है, बस यही आपको सर्च करना है इसी नाम से, ठीक है। और सर्च करने के बाद ये ओपन होगा, तो चलिए मैं इस पर आपको सर्च करता हूँ क्योंकि मैं एक बार सर्च कर चुका हूँ, तो इस पर हम लोग सर्च करते हैं। अब देखिए ये ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ओपन हो गया। सबसे पहला जो पहला नंबर पर जो है उसी को आपको क्लिक करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका खुल चुका है, क्या लिखा हुआ है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय,
ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, इसे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करिएगा और नीचे आइएगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करिए और नीचे आइए। देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, एडमिशन टेस्ट 2023 फॉर क्लास 6 सेशन 2023-24, ये तो न्यू यूजर है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है ऑलरेडी रजिस्टर, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना एडमिट कार्ड का सेक्शन, तो बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो देखिए एक पेज नया पेज ओपन होगा, ठीक है, और ये क्लास 6 के लिए, नीचे अगर जाइएगा ना तो आपको क्लास 9 का भी मिलेगा, तो ये क्लास 6 के लिए दिया है, प्रीलिम्स का डेट दिया हुआ है 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 3:30 बजे तक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता है, ये मेंस का दिया हुआ है, ठीक है, तो किस तरह से चेक करना है नीचे ऊपर आइए और यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, नया पेज खुल चुका है, अब थोड़ा सा स्लाइड चेंज करिए और नीचे आइए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ सिमुलतला आवासीय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर एडमिशन इन क्लास 6 सेशन, इतना दिया हुआ सर्च एडमिट कार्ड, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर रहा होगा, आपने जब अप्लाई किया होगा सिमुलतला का फॉर्म तो उस समय आपने एक मोबाइल नंबर भी दिया होगा, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर क्या करना है, क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंक का OTP आएगा, ठीक है, 4 अंक का क्या आएगा, OTP, तो बस वो OTP को यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है, OTP जब आपका टाइप हो जाएगा तो नीचे में क्या करा है, इंटर टोटल ऑफ, इसको जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है, उस समय जितना भी जोड़ने पर आएगा, यहाँ पर फिलहाल 14 आएगा तो हम 14 लिख देते हैं, आज आप जोड़िएगा और नीचे में क्या लिखा हुआ देखिए, नीचे में लिखा हुआ सर्च एडमिट कार्ड, ठीक है, तो सिंपली आपको बस यहीं पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो ये तो इरर बता रहा है, नीचे में क्या कर रहा है, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम, फिलहाल मेरे पास किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर OTP वगैरह नहीं है, इसी कारण से मैं निकाल यहाँ पर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने फॉर्म वगैरह भरा है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और OTP अपना दूसरा दोस्त को मत बताइएगा, ठीक है, OTP बताने वाला चीज़ नहीं होता है, अगर आपका मोबाइल है ठीक है आपके पास ही आएगा OTP, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा, ठीक है, तो जो भी आपने दिया होगा जो मोबाइल नंबर, बस उसी पर 4 अंक का OTP आएगा, मेरे पास फ़िलहाल किसी का मोबाइल नंबर नहीं है इसी कारण से, ठीक है, मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप करके अपना देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, उम्मीद हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी अगर कुछ क्वायरी वगैरह है तो बताइएगा, और किस चीज़ का ज़रूरत है आपको समय समय पर सारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, ये तो सिमुलतला का है, जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंस का भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है, मेंस का भी वीडियो आएगा कि मेंस में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन सारा चीज़ पढ़ना है, सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।